here. And I hope we don't die here, because we have one guy. We have one guy who's extremely hamdophobia. If I say it, this is gonna happen. So if we die, thank you so much, God. I live in Gondola Park. I don't care. Fail. Do we need to go in? Ready? Get set. Go. 1, 2, 3, go. Yeah! Come on, man. Get off that, man. Ice in my veins. I've been driving this train. Years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Hi guys, welcome to Channel Kashmir Lust. Aapka चानसार दोस्त कियान हाजिर खिदमत है. वेलकम टू चैनल कश्मीर लस्ट गाइस. एंड टुडे इट्स अबाउट गुलमर्ग, द इपिक प्लेस इन कश्मीर. आई एम श्योर आपको पता होगा, एवरी वन नोज व्हेन यू बॉर्न एज अ कश्मीरी, यू नो यू आर इन गुलमर्ग. कश्मीर इज इटसेल्फ एंटायर गुलमर्ग. आप जी 26 जनवरी, इट्स अ स्पेशल ओकेजन, बिकॉज 26 जनवरी के दिन क्या होता है, मैसिवली बर्फ गिरती है. इस वजह से मैं स्पेशल ओकेजन बोल रहा हूँ, समझ लो ओकेजन बेन एंड तो समझ. तो 26 जनवरी इस पर शीन पैमा नहीं पैमा, तो 26 के दिन गिरती है ताबड़तोड़ बर्फ कश्मीर में मैसिवली. एंड प्रोबेबली ये एक डेट पता नहीं इस डेट पे गिरती गिरती है, गुलमर्ग में तो गिरेगी. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं गुलमर्ग का ब्लॉग, पूरा देखेंगे एंड तक. अब गुलमर्ग जाने के 4 रीजंस हैं. पहला रीजन, करने को कुछ नहीं है, गुलमर्ग जाना है. दूसरा, आप टूरिस्ट हैं, आपको जाना है. तीसरा, आपको टिकटॉक के रील्स बनानी, सिनेमेटिक वीडियोज बनानी. चौथा, आपके पास ऐसे दोस्त निकम्मे नाकारा दोस्त है, तो आप अगर मेरी कैटेगरी वाले में चौथे, तो आपको गुलमर्ग जाना है. आपको खुराफात तन बन बदन की खुराफात वहीं दूर करनी पड़ती है दोस्तों के साथ. लोग ये वाइट आउट हो रहा, वाइट आउट, ये तो अबे दिख भी नहीं रहा है भाई. ये तो बहुत ज्यादा बर्फ है यार, दिस इज टू मच. लगता है हम लोगों की लगने वाली है. खबर है, इंशाल्लाह बात हो गुलमर्ग. लगता पूरा साल फ्रस्ट्रेशन गुजरा और उसके साथ उसके बाद जब क्रेजीनेस करते हो ना, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया, वही वाला स्टफ होता है चौथा, जिसकी कैटेगरी में आप ये वीडियो देखोगे. चलो गाइस लेट्स स्टार्ट. पहले हम निकलते हैं. अब अगर आप गुलमर्ग जाते हो, नॉर्मली जब स्नो होता है तब अलग सीन है. एंड प्रोबेबली यू शुड नॉट कीप योर इंस्टिंक्ट्स अवे, गॉट इट? दीस आर योर रियल इंस्टिंक्ट्स. देयर इज एन एप्रिसिएशन फ्रॉम माय बेलाउड बहरोज अमीन उस्मानी. And I'll upload this video soon to YouTube. I hope the people view it up and comment in a good way. तो आपको वो मजा आएगा, amazing experience. वो road जब आप जाओगे, मतलब जो main highway side से आप cross करोगे, गांव में जाओगे, तो वो अलग scene है. और अगर normally जाते हो without snow वाला purpose, जब पूरा snow नहीं होता है, snow पिघल चुका होता है, तब अलग. दोनों चीज़ में पहले start करते हैं कि जब massively इस दिन बर्फ गिरती है तो कैसा look होता है, चलिए देखते हैं. टंग मग डॉक्यूमेंट्री वीडियो बाइकियान एंड द पार्टी, स्पेशली बहरोज अमीन उस्मानी, तसव्वुर शफी एंड अब्बास. हमें इस वक्त टंग मग क्रॉस कर रहे हैं, हमें गुलमर्ग जाना है प्रोबेबली. एंड गाड़ियां बहुत स्किड हो गई हैं, जाम बहुत है. सुमो इज लाइक लेट हिम मेक द वे, लाइक आप समझ सकते हैं, बड़ा वैली, स्नो वैली और डेथ वैली भी से कहा जाता है. कार इज स्किडिंग लाइक एनीथिंग, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है ड्राइवर साहब कैसे चला रहे हैं. आप देख सकते हैं और लोगों का बहुत ही. वन मोर थिंग विच इज वेरी, वी शुड अप्रिशिएट दैट, कोई भी बीच में आके सड़क पे बाप का रोड है, बस बीच में ही चलना है. देख सकते हैं फिलहाल के लिए स्नो पड़ रहा है. और ये देखिए पेड़ों का एक अलाइनमेंट, और ये छाते वाला बंदा. सो भाई इसके बाद आप पहुंचोगे टंगमग. टंगमग में दो ऑप्शन है. अगर आप ब्रेकफास्ट टाइम पे पहुंचो तो होटल पाइन व्यू रेस्टोरेंट है, अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहां पर आपको स्टार्टर सूप्स मिल जाएंगे. चलिए वो थोड़ा आपको दिखा देते हैं.
Guys, we're on the way to Gulmarg and we've stopped here in Hotel Pine View, something like it. So this is the view I'm gonna give you. And I have my mates with me and we're planning to go to Gulmarg. We've stopped at the Tangmark and Black Panther का अच्छा फिल्म नहीं है Black Panther जबरदस्त फिल्म है Black Panther बहुत अच्छा है नहीं तुझे पता है The soup was quite delicious अगर आप बोलते कि नहीं यार हमें ऊपर जाना है मींस गुलमर्ग जाना टंगमर्ग से इस टाइम पर आपको करवाना पड़ेगा वो जो चेनें लगवाते हैं टायर्स पे वो सो बेसिकली हमें चेन्स लगानी है गाड़ी को बिकॉज ऊपर चढ़ने के लिए पहले आपको जरूरी है कि चेन्स लगाएं माफ पिटी चेन में इंशाल्लाह सब चीज़ नुकसान उनके हाथ हमने आप अगर आपको ज़्यादा डिटेल में ब्लॉग देखना तो यहाँ सारे ब्लॉग्स नीचे लिंक पे हैं एक दो तीन पूरी कलेक्शन है तीन साल की देख लीजिएगा तो भाई चेन लगाने के बाद आप ऊपर जाओगे अगर आप टूरिस्ट हो तो बेहतर है आप अपनी गाड़ियों छोड़ के आप किसी को अच्छे से ड्राइवर को हायर कर लो बेटर है सिक्योर है या अगर आप एंकलिंग करवाओ ये चेन्स करवा लोगे उसके बाद आप ऊपर जाओ बिकॉज उसके बाद स्किड होने के कम चांसेस है बहुत टाइम लगता है ऊपर जाने में स्नो में बिकॉज गाड़ियाँ बहुत स्लो चलती हैं और डेंजरस भी है भाई रिस्क मत लो उसके बाद आप पहुंचोगे गुलमर्ग के अंदर अगर आपका लंच का टाइम है आपने कुछ खाया नहीं है होटल इंबरसल जाओ नॉर्मली एक छोटा सा ढाबा है बाकी ढाबे भी हैं ये कोई स्पेशल नहीं है बट नॉर्मली आपका एक स्पेशियस जगह है वहां पे अंदर बुखारियां लगी होती हैं हीटिंग सिस्टम है थोड़ा सा आप काफी के निकल सकते हो उसके बाद आप चेक इन कर लो होटल में अब भाई दो चीजें हैं कि आपको गुलमर्ग क्यों आना है एक होता है कि अंदर बैठे रहो आप मिसेस के साथ हो मतलब माशाल्लाह फैमिली के साथ हो तो फंस गया मैं गुलमर्ग आ गया मैं खिड़कियों से देख रहा हूँ बर्फ गिरे गुलमर्ग अभी जब बर्फ बंद होगी तो बाहर निकले अबे आए क्यों और दूसरा होता है हम जैसे खुराफाती लोग जो गुलमर्ग इसलिए आते हैं कि हमें अपनी गुलमर्ग की प्यास बुझानी है तो भाई प्यास कैसे बुझाते हैं ऐसे बुझाते हैं वीडियो देखो हमारा मिशन है चर्च तक पहुंचना फ्री कश्मीर यहां पे भी लिखा गया है उठे जा रहे हैं और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कुछ नजर नहीं आ रहा इट्स अ कंप्लीट वाइट आउट फुटेज है हम मेरी यादों की फुटेज है ऐसे खुराफाती दोस्त होंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं दो ऑप्शंस है पहले आपको दिखाएंगे कि गुलमर्ग जब होता है ना जब बर्फ नहीं गिरती है तो ऐसा लगता है चलिए गाइस अब दूसरा पोर्शन दिखाते हैं जब हमें खुराफात करने का मौका मिलता है मींस बर्फ गिर रही है द स्नो इज कंटीन्यूअसली फॉलिंग एंड यू आर रियली एंजॉयिंग द वेदर इट्स कॉल्ड व्हाइट आउट आप देखो क्या मजे कर रहे हैं चलो भाई ये देखो मजे लो 1 2 रेडी के बोल 3 गो help me out Do that dad Get set, go. 1, 2, 3, go. Come on, man. No, that man. तो भाई ये तो अलग मजे हैं उसके बाद आप क्या करोगे आप अंदर जाओगे होटल में शाम का टाइम है क्या करोगे अब ये वाले दोस्त जब मिलेंगे तो अंदर हम बैंड बाजा बारात होटल्स में कर रहे होते हैं गाने शाने और कहवा पीते हैं मिनरल ड्रिंक चलो वो वाला एक्सपीरियंस खत्म हो गया आप चलते हैं गंडोला चढ़ने भाई गंडोला आप गंडोला चढ़ने में अलग मसले कि जब गंडोला हिलता है तो आपको लगता है ये कभी भी क्रैश हो जाएगा नीचे मैयत निकलेगी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं भाई होते हैं फोबिया हो जाता है
तो भाई हमारे ग्रुप में भी एक ऐसा इंसान था स्टार्टिंग में, तसव्वुर शफी, जब हम बोलते थे गंडोला गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, वो बहुत डरता था। और सबसे स्टंटमैन तो वही है, सबसे अच्छे स्टंट उसी ने किए थे। बट यहाँ पर तो छोड़िए जनाब, हमने तो क्लास लेनी है। तो भाई गंडोला का एक्सपीरियंस ले। Going back home, right here we are. The car cable ride of Gondola. It's a cable ride, and these are small jacuzzi bathtubs in which we are right now. And here, I'm going to show you something here. You can see the view over here. These are my two mates, Tasawwur, Shafi, and Abbas. And we're just going back home now. And you can see the entire video. And the landscapes I'm going to show you over here. These are the landscapes. However, you can look down as well. Okay, here we are. Yeah, it's gonna be a bit shaky because once they cross the one point, it becomes shaky at that point. Now we will be going back home, and it's really interesting. It's really amazing. How was your experience, Mr. Behrooz Amin Usmani? Awesome. It was awesome. It was awesome. It was bloody awesome. Okay, gondola तो हो गया, उसके बाद वापस आओगे, pictures click करोगे, यही चीजें, यही memories मैं आपको देना चाहता था। दोस्तों के साथ जाओ, enjoy करोगे। दोस्त ये अरे गहरे रत्तू खैरे नहीं, ये होते हैं दोस्त। सभी बहन भाई समझिए इस बात को कि आपको एक कंफर्ट जोन होता है किसी फ्रेंड के साथ वो क्रेजीनेस करने में, तो भाई हर कोई दोस्त डाइव नहीं लगाएगा। आधे पैसे कमाने के बाद या एज के बाद, यार बुड्ढे हो गए हैं अब, यार प्रोफेशनल है नहीं, यार अच्छा नहीं लगता, अरे यार बाद में जाए, ये सब हम तो मानते नहीं। हम 80 साल के भी हो गए, बिहेव करेंगे बच्चे जैसे। लोग मचोर गए उनकी बात है, बट हम आपको एंटरटेनमेंट देंगे। तो गंडोला हो गया, होटल बुकिंग हो गई। भाई सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, आपको स्कीइंग भी कर सकते हो, एंड यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे। गंडोला का भी है, टिकट लेना पड़ता है, 800-900 रुपये का टिकट जाएगा लगभग, और आपको छोटे बच्चों का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट है, ये आप बुकिंग कर सकते हो, अगर आप टूरिस्ट होटल बुकिंग के साथ गंडोला बुकिंग जो ऑनलाइन भी कर सकते हो। चलो गाइस, आई होप ये छोटी सी यादें आपको मेरी पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो अगर डिटेल में वीडियोस देखने हैं, ये बहुत पुरानी फुटेज है, 2017 की मेमोरीज कलेक्ट करके, 2020 की मेमोरीज कलेक्ट करके। अभी हम इस साल गए नहीं कोविड की वजह से, मैं आई एम ट्राइंग टू बी सिविलाइज्ड कि भाई अभी जाओ ही मत। और क्या करें, टूरिस्ट आते हैं रोक नहीं सकते हैं, और ये आधे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, फैला रहे हैं। तो इस साल अगर नहीं आते तो बेहतर था, बट ये मेरी कुछ यादें थी जो आपके सामने रखी है। अल्लाह करे कोविड खत्म हो, आप लोग आओ, यू मोस्ट वेलकम इन कश्मीर। बट एट दिस टाइम बेहतर है कि आप टूरिस्ट रुक जाओ, रायता ना फैलाओ, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल बिहेव करो। आप पॉजिटिव हो, यहाँ पॉजिटिव फैल रहा है, और घर में जाके, और कोई फैसिलिटी नहीं, हेल्थ इशू है, कभी भी कुछ सीरियस निमोनिया हो गया कुछ हो गया तो मर भी सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वीडियोस, नीचे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। धूप में, स्नो में, जब भी गुलमर्ग गए हैं इस विंटर्स में, तो वो देख लीजिएगा। कीप वॉचिंग कश्मीर लस्ट ऑन द यूट्यूब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करनी है बिकॉज अभी बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। और जिन्होंने समझा नहीं कश्मीर लस्ट को, फेसबुक पे 40,000 फॉलोअर्स है, तो प्लीज़ वो ज्वाइन करें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी। अल्लाह हाफिज़।